मार्च स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और इस महीने में बहुत अमेजिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको बताने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन इन मार्च और स्पॉइलर अलर्ट, कुछ ऐसे फोन बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि हमने खुरेद के इंटरनेट से निकाल लिया सारे फोन, सैमसंग के, वीवो के, आईक्यू के, ओप्पो के और वो जो मेरे दिमाग में भी नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग Vivo V27e के बारे में। अब ये वाला फोन मलेशिया की वेबसाइट पर लिस्ट हो रखा है। इसके अंदर ऑरा पोर्ट्रेट डिलाइट एवरी मोमेंट और भाई देखने में क्या मस्त फेदर लाइक फील आ रहा है। और इसके अंदर भी Vivo V27 Pro जिसकी वीडियो हमने जस्ट बनाई थी, ऑरा वाला फ्लैश है जो की रिंग लाइट जैसे दिखता है। MediaTek G99 प्रोसेसर होने वाला है, गेमिंग प्रोसेसर है। 6.62 इंच AMOLED 120Hz रिफ्रेश रेट, अच्छा डिस्प्ले मिड रेंज फोन के हिसाब से। फोन का बिल्ड प्लास्टिक का है दोस्तों, जिसको हमको देखना पड़ेगा कितना ज्यादा मक्खन है और कितना ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा, 64 का मेन सेंसर, 8 का वाइड एंगल, 2 का वही फ्री वाला कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वीवो का सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, हमने खुद ट्राई किया। बाकी एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा, 4600mAh की बैटरी मिल जाएगी, 66W का चार्जर मिल जाएगा और एक बैलेंस फोन है। देखते हैं प्राइस क्या होती है। वैसे फोन बहुत मिनिमल डिजाइन वाला है और इसके अंदर आपको लैवेंडर पर्पल, लाइवली ग्रीन और ये ग्लोरी ब्लैक कलर है। सारे कलर सेक्सी लग रहे हैं और इसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है इंडिया में 25,000 से 30,000 रुपए के अराउंड। देखते हैं क्या आता है। वैसे इंडिया में ये Vivo V27 के नाम से आएगा। वैसे मार्च में Vivo V27 एंड 27 Pro ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं जिसकी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। हम लोग भाई थोड़ा सा लेट है, अब मार्च की बात मार्च में ही कर रहे हैं, अगली बार से अप्रैल की बात मार्च में करेंगे। और नेक्स्ट फोन है आईक्यू का Z7, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च होने से पहले क्योंकि आईक्यू गेमिंग परफॉर्मेंस डिस्प्ले कैमरा हर एक चीज में बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर रखा है विथ ग्रेट प्राइसिंग मेरे हिसाब से। 120Hz रिफ्रेश रेट वाले LCD डिस्प्ले, OIS वाला कैमरा, 64+8MP का कैमरा मिलेगा आपको और सेल्फी आपको 16MP की मिलने वाली है। इस फोन की प्राइसिंग अराउंड 20,000, तो वो बहुत अच्छी बात है। बैटरी चार्जेस पे उतना ज्यादा लीक्स नहीं है, 5000mAh की बैटरी तो मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी इसके अंदर। और इसका लॉन्च आईक्यू ने बस एक सिंपल सा पेज बना दिया, फुल्ली लोडेड नाम है इसका, कमिंग सून। डुअल कैमरा सेंसर यहाँ पे देख रहा है, एक स्लीक डिजाइन है, प्लास्टिक डिजाइन लग रहा है मुझे तो। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप, अब ये वाला फोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, हमने अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर वीडियो कवर कर रखी है और उसमें आपने प्यार भी बहुत अच्छा दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। इंडिया में 16 मार्च को लॉन्च होने वाला है ये। इस फोन का कैमरा भी काफी अच्छा है और फ्लिप फोन के हिसाब से सैमसंग का जो Z फ्लिप आता है उसको डायरेक्टली टक्कर दे रहा है और काफी हद तक बीट भी कर रहा है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। इसकी प्राइस 70,000 से 80,000 रुपए के बीच में आने वाली है। बाकी स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं बताऊंगा, पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है भाई, जाके देखो उसको, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट फोन है अपना मोटो G73 और ये वाला फोन यहाँ पे भाई अभी दिखाना मना है इसको, नहीं तो कसम से बहुत मन था दिखाने का। तो मोटो G72 आपको लास्ट ईयर अक्टूबर में आया था, 4G फोन था, ये वाला आपको 5G फोन होने वाला ऐसा लीक्स आ रहा है। और अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया जाए, 6.5 इंच की डिस्प्ले होगी, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है ये और ये फोन एक्रिलिक ग्लास डिजाइन कैरी करता है, मतलब कि होगा प्लास्टिक का फील, पूरा ग्लास होगा और इसके वजह से इसकी प्राइसिंग काफी इकोनॉमिकल हो जाती है और आपको डिजाइन भी काफी अच्छा रहता है। इस वाले फोन का डिजाइन हमने ऑनलाइन देखा है, गोगी सर ने ऐसे ट्वीट कर रखा है और सीरियस नोट पे मोटो ने बहुत अच्छा काम किया इसके साथ क्योंकि अपनी प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर कैरी करने वाला है और गेमर्स को बहुत ही सस्ते में अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसके अंदर MediaTek 930 मिलने वाला है। बहुत तगड़ा प्रोसेसर है भाई ये, मजाक नहीं है। इवन की स्टीरियो स्पीकर होने वाला है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा इसके साथ, 5000mAh की बैटरी मिलेगी, डिजाइन काफी अच्छा है, 5G फोन है, 13 5G बैंड्स मिलेंगे इसके साथ, तो इंडिया में आप कहीं भी लेके जाओ मस्त मक्खन 5G चलाओ। ब्लू एंड व्हाइट कलर में अवेलेबल होने वाला है आपको और देखने में फोन अच्छा लग रहा है। हमने कुछ नहीं बताया, बस हमने देखा है, फ्लिपकार्ट पे सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि 50MP का मेन सेंसर होने वाला है इसके अंदर। बाकी आप फ्लिपकार्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल देंगे और 10 मार्च को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी आपको। इसके डिब्बे खोलने का OTP मेरे पास नहीं है दोस्तों, नहीं तो फिर अभी खोल देता आप लोग के लिए। नेक्स्ट फोन है Xiaomi का 13 सीरीज, Xiaomi का Mi 13 हमने कवर कर रखा था ग्लोबल वेरिएंट, वही सेम फोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और क्या तगड़ा कैमरा वाला फोन है ये और इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी Xiaomi ने। 12+256GB की प्राइस इसकी ₹80,000 है लेकिन ऑफर्स और बहुत सारी चीज लगा के इसको आप ₹70,000 में भी निकाल सकते हो जो कि इस फोन के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी प्राइसिंग है। सर्दी में हमने वीडियो से कवर कर रखी थी और डायरेक्टली 14 प्रो मैक्स से कंपेयर किया था। कौन से प्रोडक्ट पसंद है? इनिशियली मुझे भी आईफोन ज्यादा पसंद आ रहा है, आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो, आप लोग कौन सा पसंद ज्यादा आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। कंप्लीट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे अगर फोन की बात करें फॉर द प्राइस पॉइंट, एक बहुत ही अच्छा फोन है, आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल रहा है, 120Hz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले मिल रही है, एक कर्व डिस्प्ले, AMOLED पैनल है, सैमसंग S23 अल्ट्रा और आईफोन पूरा पूरा टक्कर देता है
ये वाला फोन, प्राइसिंग उसकी बहुत कम है इन दोनों के सामने। वैसे Mi 13 तो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसके साथ Xiaomi 13 Lite भी लॉन्च हो सकता है मार्च के महीने में। और ये वाला फर्स्ट फोन होगा स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 कैरी करेगा, और ये वाला प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 778 से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल, और स्पेक्स देख के इसकी प्राइस 35,000 रुपए के अराउंड की ही लग रही है। वैसे फोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, देखने में तो काफी मस्त लग रहा है। इसके स्पेक्स बताते हैं आपको, 6.55 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डॉल्बी विजन कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, और 2023 अपने कर्व डिस्प्ले के लिए बहुत पॉपुलर होने वाला है। ये आपको लिख के दे सकता हूँ अभी, बताओ कहाँ लिखना है, हाथ लो। 50 मेगापिक्सल का सोनी का 766 सेंसर है। अब ये वाला सेंसर वीवो के V27 प्रो में आया था, और भाई मुझे बहुत तगड़ा लगा ये सेंसर। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 2 मेगापिक्सल का फ्री वाला मैक्रो सेंसर, और 32+8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा है। और ये डुअल सेल्फी कैमरा देखने में डायनामिक आइलैंड का थोड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है। डायनामिक आइलैंड वाला काम करेगा या बस कॉपी, सॉरी इंस्पिरेशन। 4500 एमएएच की बैटरी मिल जाएगी, तो फोन काफी तगड़ा लग रहा है देखने में। इसके लिए मैं लिटरली एक्साइटेड हूं। अगर Xiaomi ने नहीं भेजा, खरीद के बनाएंगे वीडियो, लेकिन भेज दो अच्छा रहेगा, पैसा बच जाता है, गरीबी। नेक्स्ट फोन OnePlus का Nord 3 भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डिजाइन देखने में काफी बॉक्सी डिजाइन लग रहा है। OnePlus का Nord 3 सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे पॉपुलर भी है, क्योंकि OnePlus एक ब्रांड वैल्यू कैरी कर रहा है, जो कि बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाता है आपको Nord ब्रांडिंग के साथ। तो हाँ भाई, काम तो करता है अच्छा। चाइना में OnePlus A2V के नाम से लॉन्च हो चुका है वाला फोन ऑलरेडी, और इसके स्पेक्स 6.72 इंच की एमोलेड डिस्प्ले पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। MediaTek का डायमेंसिटी 9000 है, एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप चिपसेट है जिससे आपको 5G मिल जाएगा, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं होने वाला है, और इसकी प्राइसिंग 30,000 रुपए के अराउंड आप मान सकते हो। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 80W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको पैक करके। और कैमरे की बात करें, 50 MP का मेन सेंसर है, 8 MP का वाइड एंगल, 2 MP का वही चुन्नू मुन्नू, और 16 MP का सेल्फी कैमरा, वही नॉर्मल कैमरा सेंसर मिलेगा आपको। लेकिन OnePlus के कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे स्टिल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। क्या पता ये वाला फोन मेरा दिमाग चेंज कर दे, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि हम इसको जरूर कवर करेंगे अपने चैनल पे। अलर्ट स्लाइडर को देख के बता सकता हूं, इसकी प्राइसिंग 30,000 रुपए ऐसे लिख लो। और अब बात करते हैं सैमसंग के फोन्स के बारे में। सैमसंग के 3 फोन तो एक्सपेक्टेड है कि मार्च में लॉन्च हो जाएंगे, सैमसंग F14, सैमसंग A54 और सैमसंग A34। सैमसंग F14 के बारे में बात करते हैं। 6.5 इंच का 720p IPS डिस्प्ले होने वाला है, 6000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और ये 4G फोन होने वाला है। अब स्पेक्स देख के मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइसिंग 15,000 के अराउंड आने वाली है, उससे ज्यादा ऊपर आप एक्सपेक्ट मत करो। और एक बहुत ही अच्छा रिलायबल फोन होगा, और इस फोन के अंदर चार्जर शायद नहीं होगा, हो भी सकता है, जाने के लिए आप स्टेटमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, और जैसे जो जो वीडियो हम डालते रहेंगे, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक अपडेट होता रहेगा। A54 के बारे में बात करते हैं। सुपर एमोलेड 6.4 इंच की डिस्प्ले कैरी करेगा, इसके अंदर पंच होल डिजाइन होने वाला है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा, और कैमरे में सैमसंग 50 MP का मेन सेंसर देने वाला है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 5 MP का मैक्रो सेंसर मिलने वाला है, और सेल्फी कैमरा 32 MP का मिलेगा आपको। मतलब एक अच्छा कैमरा सेटअप साउंड कर रहा है, और सैमसंग कैमरा सच में बहुत तगड़े होते हैं, क्योंकि हम भाई अल्ट्रा यूज कर रहे हैं, और अल्ट्रा है कैमरा। हल्का सा लिख देता हूं, एक हम लोग डिटेल कंपैरिजन लेके आने वाले हैं, बहुत ज्यादा बीट किया है आईफोन को। वैसे A54 में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, और 3.5 mm जैक का भी सपोर्ट है। गाने वाने सुनने हो, गेम खेलने हो, उसके लिए मजा आने वाला है। A34 के बारे में बात करते हैं। फोन के डिजाइन लीक हो चुके, काफी प्रीमियम फोन लग रहे हैं, क्योंकि ये A सीरीज से आ रहे हैं देखने में। इसके अंदर भी सेम सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला, कोई यू शेप का नॉच मिल रहा है जैसे कि फोटो में देखने को लग रहा है, बट इसके अंदर MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर है। अब ये वाला प्रोसेसर 25,000 से 30,000 के फोन के अंदर बहुत ज्यादा देखा है, और बहुत अच्छा प्रोसेसर है। कैमरे की बात करते हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होने वाला है, और सेल्फी में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, और 5000 mAh की बैटरी इसमें भी है। तो मतलब कि दोनों ही फोन बहुत ज्यादा तगड़े लग रहे हैं सैमसंग के। वेट करो, दोनों ही की वीडियो हम लोग लेके आएंगे अपने चैनल के ऊपर। तो ये थे मार्च के अपकमिंग फोन्स, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। आपका फेवरेट फोन कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और मोस्टली सबकी वीडियोस हम लोग यहां पे लेके आने वाले। अगर आप सपोर्ट करोगे भाई, ये मोस्टली वर्ल्ड 100% में कन्वर्ट हो सकता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।